महाशिवरात्रि का अर्थ है भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य का पहला दिन, पूजा का पहला दिन, जब भगवान महादेव ब्रह्मा विष्णु के समक्ष अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, उसको आदर नक्षत्र माक्षर मास कहते हैं। इस दिन भगवान शिव जी ज्योति के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष, उनके सामने ये ज्योति धीरे 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 ये लिंगाकार हुई, और जिस दिन ये ज्योति लिंगाकार हुई इस दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। अभी हम गए थे काशी में, वहां लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह का महोत्सव मना रहे थे। अभी महाकालेश्वर महादेव गए थे महाशिवरात्रि में कथा के लिए, तो वहां के लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के विवाह महोत्सव मना रहे थे। और वहां मैंने बहुत बहुत विद्वानों को कहा कि क्या तमाशा हो रहा है, महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव पार्वती के विवाह का दिन नहीं है। लोग महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह का दिन मानते हैं, कितने कितने नासमझी है। महाशिवरात्रि कोई भोग की रात्रि थोड़ी है, महाशिवरात्रि तो योग की रात्रि है। मैंने काशी में भी बड़े बड़े विद्वानों को कहा कि उसको बंद कराओ, महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव नहीं होना चाहिए। और महाकालेश्वर गया तो वहां भी सब लोगों को मैंने कहा, विद्वानों को, ये सब क्या हो रहा है। महाशिवरात्रि का अर्थ है भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य का पहला दिन, पूजा का पहला दिन, जब भगवान महादेव ब्रह्मा विष्णु के समक्ष अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, उसको आदर नक्षत्र माक्षर मास कहते हैं।